एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी एक जंगली भैंस जो कि अपने बछड़े के साथ यहाँ घास चरने आई थी, उसके बच्चे पर एक तेंदुआ पीछे से आकर हमला कर देता है। लेकिन तेंदुए के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में भैंस ने भी थोड़ी सी भी देरी नहीं की और अपनी लंबी और पैनी सिंग से तेंदुए को खदेड़ते हुए उसे झाड़ी पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद ये भैंस अपने बच्चे को उस तेंदुए की चंगुल से सुरक्षित बचाते हुए यहाँ से भाग खड़ी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस क्लिप में एक शेरनी को देख सभी जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ भागते हैं, लेकिन इन्हीं के झुंड का एक जेब्रा जो कि सबसे पीछे रह गया था, उसे शेरनी धर दबोचती है। पर अगले ही पल यहाँ इस जेब्रे का साथी पहुँचा, जिसने इस हारते हुए जेब्रे की बाजी ही पलट दी। जेब्रे का साथी यहाँ पहुँचते ही इस शेरनी से भिड़ गया, जिससे शेरनी के जबड़े की पकड़ ढीली पड़ गई और इस बीच जेब्रे का साथी शेरनी के मुंह पर अपने पैरों से एक जबरदस्त चोट भी देता है और अपने साथी को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अगली क्लिप में आप 2 ऑस्ट्रिच और 3 चीतों के बीच एक खतरनाक जंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक नजर नहले पे दहला वाले इस घमासान युद्ध पर भी डालिए। स्क्रीन पर दिख रही ये लड़ाई एक हनी बैजर, भेड़िए और एक पाइथन के बीच की है, जहां ये तीनों अपने जान पर खेलकर एक दूसरे का शिकार करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये एक बाजी पलटी हुई लड़ाई है। जी हाँ, क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ से हुई थी, जिसमें ये अजगर इस हनी बैजर को अपनी कुंडली में दबोच कर उसे लगभग मार ही चुका था। लेकिन तभी इस लड़ाई में टांग अड़ाने ये भेड़िया पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इस अजगर का ध्यान भटकता है और ये हनी बैजर उसकी कुंडली से आजाद हो जाता है। अब यहाँ शिकारी खुद शिकार होने वाला था, क्योंकि अब ये हनी बैजर इस अजगर का ही शिकार करने पर तुल गया था। यहाँ 2 भेड़िए भी इस लड़ाई में लगे हुए हैं, ताकि अजगर को वो अपना निवाला बना सके, जिसके चलते वो बीच बीच में हनी बैजर पर भी हमला करके उसे डराकर इस लड़ाई से हटने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हनी बैजर के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो ये इन 2 भेड़ियों से लड़ता हुआ भी इस बाजी को जीत लिया और उस अजगर को अपना निवाला बनाने में कामयाब रहा। दोस्तों हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। जहाँ चीता को धरती के सबसे तेज धावक प्राणी के रूप में जाना जाता है, वहीं ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग भी अपनी प्रजाति में सबसे फुर्तीले और तेज धावक पक्षी माने जाते हैं, जहाँ ये दौड़ में लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति का प्रदर्शन करते हैं। अब ऐसे में यहाँ एक नर और एक मादा शुतुरमुर्ग का एक जोड़ा, जो भोजन की तलाश में इधर उधर विचरण कर रहा था, इन पर 3 चीतों की नजर पड़ जाती है। अब होना क्या था, इनकी प्रवृत्ति से तो हर कोई वाकिफ है। हालांकि नर शुतुरमुर्ग ने अपने लंबे पैरों से प्रहार करना चाहा, लेकिन जब गर्दन ही शिकारी के जबड़ों में हो तो अच्छे अच्छों की हिम्मत छूट जाती है जनाब। इस क्लिप में दिख रहा है ये बाज अभी-अभी ही एक बाजी हारा है, वो भी एक वेस्टर्न जैकडॉ से, जो कि कौओं के प्रजाति के ही सदस्य होते हैं। अपनी ताकत पर इतराते हुए ये बाज इस जैकडॉ से भिड़ जाता है, जिसमें ये बखूबी अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करता है और इस बात को क्लिप भी बयां कर रही है। जहां बास के पंजों के मजबूत पकड़ का शिकार बना ये जैकडॉ खुद को बचाने के लिए कई मर्तबा प्रयास करता है, लेकिन जैकडॉ हर बार फेल होता जा रहा था। ये लड़ाई इस कगार तक चली आई थी कि लग रहा था कि अब ये जैकडॉ अपने दम तोड़ देगा, लेकिन अचानक किस्मत पलटती है और जैकडॉ की नुकीली चोंच की 4-5 चोटें इस बाज के सिर पर पड़ती है, जिससे इस बाज की अकल ठिकाने आ जाती है और जैकडॉ यहां से फौरन ही उड़ान भर लेता है। छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजाति, जिन्हें कोमोडो ड्रैगन के नाम से जानते हैं, ये कहीं भी दादागिरी करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक कोमोडो ड्रैगन यहाँ एक मगरमच्छ के अड्डे में घुस गया, और वो भी सिर्फ मगरमच्छ के अंडों के लालच में। लेकिन यहाँ से इसे अच्छा सबक मिलता है, जिसके बाद अब शायद ही ये कभी दोबारा ऐसी गलती करने को सोचे। अगर एनिमल की सीरीज देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, और अगर हमारी कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो सर्कल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा।